नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेट इन्फोवेज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन की। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ। दोस्तों यह ट्रेन लखनऊ से मुंबई तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 125-33। यह ट्रेन 24 घंटे 30 मिनट में अपनी जर्नी जो है वो कवर करती है और टोटल डिस्टेंस जो ये कवर करती है वो है 1424 किलोमीटर। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 58 किलोमीटर पर आर और इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं। यह ट्रेन हफ्ते में सातों दिन चलती है। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। इसमें फ़र्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास के डिब्बे अवेलेबल हैं। फ़र्स्ट एसी का किराया है 3985 रुपये, सेकंड एसी का किराया है 2325 रुपये, थर्ड एसी का किराया है 1605 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया है 605 रुपये और जनरल और अनरिजर्व डिब्बे का किराया है 335 रुपये। यह अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों। अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें। इसमें पेंट्री कार्ड भी शामिल है जहां से हमें फूड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं टिकट के अलावा भी। चलिए अब बात करते हैं इसके टाइम टेबल की। यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन से हर रोज़ शाम के 7:45 पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। इसका अगला स्टेशन आता है उन्नाव जंक्शन, जहां पर ये 8:42 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है कानपुर सेंट्रल, जहाँ पर ये 9:20 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है औराई, जहां पर ये रात के 10:56 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है झांसी जंक्शन, जहां पर ये 1:30 पर पहुंचती है और इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। इसका जो अगला स्टेशन आता है वो है ललितपुर जंक्शन, जहाँ पर ये 2:44 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला जो इसका स्टेशन आता है दोस्तों वो है भोपाल जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 5:50 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन है हबीबगंज, जहां पर ये 6:12 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन आता है वो है इटारसी जंक्शन, जहाँ पर ये 7:40 पर पहुँचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन है दोस्तों खांडवा जंक्शन, जहां पर ये 10:22 पर पहुंचती है और 3 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन आता है वो है भूसावल जंक्शन, जहां पर ये 12:15 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला जो इसका स्टेशन आता है दोस्तों वो है मनमाड़ जंक्शन, जहाँ पर ये 2:17 पर पहुँचती है और दोपहर के और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन आता है वो है नासिक रोड, जहां पर ये 3:12 पर दोपहर को पहुंचती है और 3 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला जो इसका स्टेशन है वो है कल्याण जंक्शन, जहां पर ये 6:25 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो सेकेंड लास्ट स्टेशन आता है वो है दादर सेंट्रल, जहां पर ये 7:22 पर शाम को पहुंचती है और 3 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद यह अपने आखिरी स्टेशन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर पहुंचती है रात के 8:15 पर और 17 या 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।